देखिए आज ये है किसान और मजदूर रैली और हम यहाँ से जंतर मंतर से आह्वान करते हैं कि अब ये किसान और मजदूर एक साथ मिल गए हैं और इनकी मांगे साझा हैं और इनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण भी साझा है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना देंगे और सब मजदूरों को न्यूनतम वेतन देंगे, लेकिन आज ना तो मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिला है, ना महंगाई कम हुई है, ना महिलाओं पर अत्याचार कम हुआ है, बल्कि इसके अतिरिक्त वो बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे दाम की कीमतें कम होने के बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भी महंगाई हमारे पास वापस लौट कर आ रही है। उसको भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं कि खाद की कीमतें, बीज की कीमतें और जो लागत है कृषि पे, वो लागत लगातार बढ़ती जा रही है और लागत के मुकाबले में जो न्यूनतम इनका जो समर्थन मूल्य बनना चाहिए था वो समर्थन मूल्य नहीं बन रहा है। कुल मिलाकर कहना ये है कि देश की जनता बहुत ज्यादा परेशान है और उनकी आवाज सुनने के लिए कोई है नहीं, ऐसा वो महसूस करते हैं और बहुत मीडिया से भी हम खपा हैं, आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं।